ठीक। तो विदेशी मुद्रा क्या होती है? सबसे पहले हम विदेशी मुद्रा के बारे में लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा भारत देश है, तो हमारे भारत देश में कौन सी करेंसी चलती है? रुपया। ठीक है, रुपीज चलती है, रुपये बोलता है। ठीक है, और यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहां डॉलर चलता है। ठीक है, कहीं पर एन चलता है। ठीक है, मतलब पौंड चलता है कहीं पर। सब देशों की अलग अलग करेंसी होती है, ये तो हमें सुनने को मिला है। अब लेकिन हमारे भारत देश में जब रुपया चलता है तो केवल रुपया ही चलेगा, डॉलर तो चल नहीं सकता कि चलेगा। तो डॉलर को आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपये में। लेकिन आप कहीं दूसरी कंट्री में जाते जहां डॉलर चलता है, आप रुपया लेके जाते हैं तो रुपया तो वहां चलेगा नहीं, तो काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कुल मिलाकर जे है कि जैसे आप एक टॉकीज या एक सिनेमा हॉल में जाते हैं या एक सर्किस में जाते हैं तो रुपए के बदले में एक टिकट खरीदते हैं। क्या करते हैं? रुपए के बदले में टिकट, जो टिकट वहां चलता है। डायरेक्ट रुपया दोगे सर्किस में, हम जाने सिनेमा हॉल में जाने के लिए टिकट ना कटा के हम सीधा रुपया दे दें तो क्या आपको प्रवेश मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वहां पर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई है कि आपका रुपया नहीं चलेगा, वहां टिकट चलेगा। वहां का जो सर्टिफाइड टिकट है वो वैल्यू देता है आपकी 50 रुपए की, 100 रुपए की, 500 रुपए की वैल्यू के बराबर रहता है उसका। अगर हमने लगा है तो इस तरीके से हमारी मुद्रा भी है, मुद्रा का कोई अस्तित्व तो नहीं है। यदि आप उस 500 हजार की बात करें तो उसमें इतना सोना होगा, इतना चांदी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है कि सोना चांदी है उसमें, हमें तो नहीं लगता। जैसे हम लोगों को बताया जाता था कि उसमें सोने का है इतना, 500 के बराबर सोना होगा, 1000 के बराबर सोना होगा, 2000 के बाद चांदी होगी, मतलब इस टाइप से हम लोगों को बताया जाता था जब हम लोग जानते नहीं थे। आज तुम लोगों के दिमाग में चलता होगा 2000 की 2000 वैल्यू क्यों रहती है? अरे 2000 रुपए की 2000 वैल्यू क्यों रहती है? आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे वो एक क्या है, RBI और भारत सरकार के बीच में एक टाइप है। क्या है? इस कागज का मूल्य कितना होगा? 2000 होगा। इस कागज के मूल्य क्या होगा? अब प्रोसेस अलग है, कैसे छपा, क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो अंदर लगाइए, क्योंकि नकली भी बन जाता है। आपने ये देखा होगा भारत सरकार या RBI के पास ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि जो नकली नोटों को बनने से रोक पाए, ऐसा कोई पैटर्न नहीं, क्योंकि नकली नोट बना देते लोग, कई बार पकड़े जाते हैं। जो भारत सरकार जो दस्तावेज इशू करती है, यदि आप उसे बनाते हैं तो आप 420 के दायरे में आपको जेल तो होती है और आजीवन कारावास हो सकता है, जेल का है। अगर नोट छापने के लिए, नोट के लिए तो अलग प्रावधान है, क्योंकि मतलब करेंसी से, भारत की करेंसी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके लिए तो है प्रावधान। लेकिन यहां तक कि आप अपना वोटर आईडी होते इशू किया है, उसमें भी काट छाट करके आप पेश करते हैं, तब भी आपको वही सजा का प्रावधान रहता है। इसीलिए कभी भी जीवन में किसी का ना तो आधार कार्ड चलाना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए, ना करना। कंप्यूटर सीखने के बाद ऐसा दिमाग में आता होगा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने या UID ने एक यूनिक आईडी बनाने का प्रयास किया है। यूनिक आईडी में बारकोड जनरेट करके रखा है, बारकोड आजकल बारकोड भी जनरेट कर देते। लेकिन इसके अलावा आप जैसे नंबर आप कहां डालेंगे, ऑनलाइन डालेंगे तो वो सर्टिफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपका सर्टिफाइड हो जाता है, क्योंकि हर पैन कार्ड डालते तो आपका पूरा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगाया गया है, जिससे आप समझ जाए। जैसे आजकल क्या होता है, पहले हम एक बैंक में 10-10 खाते खोल लेते थे इधर उधर करके आईडी लगा के, अब एक खाते के अलावा दूसरा खाता खोलने में तकलीफ हो रही है। एक बार पैन कार्ड यूज हो गया द्वारा यूज होगा ही नहीं, एक बार आधार कार्ड हो गया द्वारा आधार कार्ड यूज होगा ही नहीं उस बैंक में, क्लियर? तो वैलिडेशन लगाए गए। तो खैर अब मुद्रा की हम बात कर रहे थे, तो विदेशी मुद्रा जो हेडिंग डाली है उसमें हम करेंगे क्या? तो विदेशी मुद्रा में जो टिकट का कि हम टिकट खरीदते हैं और टिकट बेचते हैं, कोई टिकट खरीदता है कोई बेचता है, तो ऐसे हमें मुद्रा को खरीदना पड़ेगा, मुद्रा को बेचना पड़ेगा, मतलब जिसे हम विनिमय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आदान प्रदान करना पड़ेगा। एक डॉलर के बदले में हमें 60 रुपए देना पड़ रहा है, 70 रुपए देना पड़ रहा है, 50 रुपए देना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसा हम टैली में कैसे करेंगे? तो ऐसा करने के लिए लिखिए
विदेशी मुद्रा का जब टैली में लेखा करना होता है तो सबसे पहले मल्टी करेंसी को अलाउ करना होता है। तो इसके लिए मल्टी करेंसी को अलाउ करना होता है तो इसके लिए निम्न स्टेप्स यूज करते हैं। तो शॉर्टकट को लिख लेते हैं F11। जैसे ही F11 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने डिस्प्ले होंगे। तो उसमें पहले ही ऑप्शन लिखा है अकाउंटिंग। अभी हम इन्वेंटरी फीचर्स की बात करते थे, अब कहां पर पहुंच गए अकाउंटिंग फीचर्स। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर्स पे जैसे जाएंगे तो जनरल वाले भाग के नीचे लिखा है अलाउ मल्टी करेंसी के सामने यस करना है। क्या करना है देख दीजिए, क्या लिखा है F11 अकाउंटिंग फीचर्स अलाउ मल्टी करेंसी के सामने यस, इंटर। हो गया यस और एक्सेप्ट के द्वारा इसे अब हेडिंग डालिए। जितना निर्धारण हो गया उसी के मल्टी करेंसी के नीचे विदेशी मुद्रा के नीचे डालिए विदेशी मुद्रा को तैयार करना। विदेशी मुद्रा को तैयार करना राइट। तो विदेशी मुद्रा को तैयार करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, कहां पर अकाउंट्स इन्फो कहां जाना पड़ेगा, तो लिख लो अकाउंट्स इन्फो करेंसीज फिर क्रिएट। कुछ इस तरीके से हमें तैयार करना है, ये सिंबल का नाम, ये डॉलर का नाम और इधर एक्सेप्ट कर दोगे। इस तरीके से विंडोज तैयार कीजिए, ये करना अनिवार्य है।
गया। तो इसे एक्सेप्ट किया। अब अगली हेडिंग डाली जाएगी, लिखो विदेशी मुद्रा के लिए रेट्स ऑफ एक्सचेंज सेट करना, रेट्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स ऑफ एक्सचेंज सेट करना। हो गया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वही कहानी, कौन सी, अकाउंट्स इन्फो, करेंसीज और रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पर क्रिएट किया था वहां चेंज होगा क्या, रेट्स ऑफ एक्सचेंज। ऐसा करने के बाद इस कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी। तो सबसे पहले कब से लागू करना चाहते हैं वह डेट, और जो भी आपने फॉरेन करेंसी के सिंबल का निर्माण किया हुआ है वो यहां डिस्प्ले होगी। तो उसमें आप रेट तय करेंगे कि अभी वर्तमान का रेट क्या चल रहा है। मान लो हमने कह दिया 60, स्टैंडर्ड रेट क्या है, 60 ही में खरीदा जा रहा है, 60 ही में बिक्री हो रही है, ठीक है, चेंज भी हो सकता है। तो एक हमने एक आइडिया ले लिया, वर्तमान में 60 का चल रहा है, कितने का चल रहा है 60, स्टैंडर्ड रेट 60 है, इसी के आसपास रहता है। सेलिंग में हो सकता है 61 भी हो जाए, हो सकता है 59 भी हो जाए, खरीदते समय हो सकता है 60 भी हो रहे या 62 भी हो जाए, क्योंकि रोज कुछ लोग तो डॉलर पर ही व्यवसाय करते हैं, मालूम है, क्योंकि डॉलर बड़े रेट में ले लेते हैं और बढ़ जाता है तो बेच देते हैं, कई बार घटता है तो खरीद लेते हैं और बढ़ता है तो। अब पता चली किसी के 50 लाख रुपए क्या है, 50 लाख रुपए रखे हो, उसने क्या किया, जैसे डॉलर नीचे आया तो 50 लाख के पूरे डॉलर खरीद लिए, और पता चली कि एक दिन में 5 रुपए बढ़ गया है और उसने बेच दिए, तो अंदर लगाइए 50 लाख के डॉलर को खरीदने के बाद उसने पर डॉलर कितना, 5 रुपए कमा लिए, अंदर लगा सकते हो। तो कुछ लोग तो ऐसे रोजी रोटी चलाते हैं, कुछ शेयर मार्केट, लेकिन तुमने टर्म्स एंड टी एंड सी जो बताते हैं वो बहुत स्पीड से बताते हैं और लास्ट में कह देते हैं जोखिमपूर्ण कार्य, एक शब्द यूज कर लेते हैं वो लोग, क्या लास्ट में जोखिमपूर्ण कार्य, चाहे आईपीएल क्या कहते हैं, पीपीएल है क्या है, एमपीएल, ऐसी जो यूज होते हैं, क्या कहीं कुछ रिक्स है, जोखिम मतलब कुल मिला के सट्टा है, क्या है, आपको गेम खेलने के लिए प्रमोट किया जाता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको लत लग जाती है, फिर उसमें आप पैसे लगाने लगते हैं, कई बार हम लाख रुपए कमा भी देते हैं, कई बार करोड़ों रुपए गवा भी देते हैं। ऐसी कोई संस्था नहीं बनी है जो केवल लाभ को केवल कमा सकती है और हानि नहीं होगी, कोई भी संस्था ही नहीं। हाँ, एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हानि नहीं होती, क्या होगा, हम तो लेक्स कर दे रहे हैं, मान लो लेक्स नहीं देंगे तो हमें क्या नुकसान होगा। एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें घाटे का, अब जो बिल्डिंग यदि तुम्हारे किराए के लिए तो घाटा हो जाएगा, लेकिन मान लो यदि हमारी बात करें या एक शिक्षक की बात करें जो स्कूल में पढ़ाने आता है, उसको क्या नुकसान होगा, क्या चला जाएगा, उसको पढ़ाएगा नहीं तो कोई नुकसान नहीं होगा भैया, जितना है उतना तो उसके पास है ही। लेकिन अन्य जगहों पर एक व्यवसायी, बिजनेसमैन, शेयर होल्डर, इनको घाटे होने की चांस रहते हैं। जितना ज्यादा जोखिम उठाओगे, कॉमर्स आपको सिखाती है, जितना ज्यादा
जोखिम उठाने की क्षमता होगी उतना ज्यादा लाभ भी हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, उतनी ज्यादा हानि भी हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष जो है लाभ हानि सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू है, या तो लाभ होगा या हानि होगा, या तो पट या चित्र जो हम कहते हैं, दोनों में से कोई आएगा नहीं। हानि नहीं होगी तो लाभ होगा, लाभ नहीं होगा तो हानि होगी, दो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्लियर, तो हम आगे बढ़ते हैं, चाहो तो इसको उतार लो, दिमाग में रख लो, क्या किया अभी, रेट ऑफ एक्सचेंज करना अनिवार्य है, फिर एक्सचेंज होता रहता है, हाँ। तो कल ही करना था तो कल आ पाए, नहीं तो हमने बोल तो दिया इन लोगों से, महेंद्र से और स्वतंत्र से मैम से बात करो कब करवाना है इतना। हाँ तो देख लो जैसा भी है, सिलेबस कितना बचा है, हो सकता है जी हो जाए तो अपन जल्दी करवा देंगे। हाँ तो हो जाएगा होली के बाद, चलो ठीक होली के बाद कर ले, 8 दिन है मात्र होली के बाद, लेकिन ध्यान रखना तो रिजल्ट, फिर रिजल्ट कितने दिन बनवाओगे। हाँ तो टीचर आ जाएंगे आपके, चलो ठीक, चलो कर लो ठीक। हाँ ठीक हो गया, तो इसे एक्सेप्ट कर दिया राइट। अब अगला राउंड चलेगा, लिखिए लेजर तैयार करो, स्टेप बाय स्टेप है, मतलब यदि आपको फॉरेन करेंसी का उपयोग करना तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा आपको, तो लेजर तैयार करना। लेजर में क्या करना है आपको पता ही है, लेजर को क्रिएट करने का, मान लो राम एक व्यापारी है जो विदेश में रहता है, तो क्या कहलाएगा, सेंडरी डेबिटर्स भी हो सकता है, क्रेडिटर्स भी हो सकता है, अभी हम क्रेडिटर्स मान लेते हैं। अब आपको लेजर बनाते समय यहां ध्यान देना है, जहां आरएस था वहां डॉलर रखना है, क्या रखना है जी, बना लो, राम चंडरी क्रेडिटर्स करेंसी ऑफ लेजर डॉलर, क्लियर। क्लियर, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लिखवाए थे, अरे राम राम राम, क्लियर। तो इस तरीके से इसे सेव कर दिया। अब अगला स्टेप जो आता है वो वाउचर एंट्री का होता है, क्या होता है तो लिखो वाउचर एंट्री,
तो वाउचर एंट्री में जैसे मान लो उसको हम पैसा दे रहे हैं, ये पेमेंट कर दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, मान लो क्या कर रहे हैं राम, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि थी उतार लो। लिखो पेमेंट में कैश बटे राम और शिफ्ट के साथ डॉलर और 500 डॉलर, ऐसा लिख लो। ये लिखना जरूरी है डॉलर और 500, ये लिखना अनिवार्य है क्योंकि यहीं से चयन होगा कि उसको किस में पैसा देना है और कितना देना है। तो यहां लिखा है डॉलर 500, कितने देना है राम को, डॉलर कितने देना है 500 डॉलर देना है आपको, राइट। तो हमने लिख दिया डॉलर 500। अब जैसे ही डॉलर 500 करोगे, ध्यान से देखिए आप, हो गया ना, अब इंटर करोगे तो ऑटोमेटिक हमें एक नई विंडो में ले जाएगा। लिखा है फॉरेक्स अमाउंट, लिखा है फिर लिखा है रेट ऑफ एक्सचेंज किससे चेंज हो रहा है 60 से, वैल्यू इन आरएस में कितना आ रहा है 30,000। इसको हम बदल भी सकते हैं, मान लो 61 कर दिया, कितने देना पड़े हमें उसको 61 के हिसाब से। डॉलर तो 500 की बात हुई थी लेकिन वो 61 रुपए के हिसाब से होगा वर्तमान में, कितने हो गए तो हमें कितना पेमेंट देना पड़ा, जब 500 रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो इंटर करेंगे तो जे आ गया, वहां से डॉलर हट गया और इधर अपने आप ठीक है। लेकिन तुम्हें डालने कितना है जिससे दिमाग में रहे कि डॉलर लिखेंगे तो एफ चेंज होगा, नहीं तो। इस तरीके से पूरा एंट्री होती है हमारी, क्लियर समझ गए ना, कोई दिक्कत इसमें? फिर से हम एक बार रिवाइज कर देते हैं, अब फिर आपको करना है, बता दें उसमें क्या है। देखो नई कंपनी, सबसे पहले तो हम करते हैं नई कंपनी का निर्माण, ओके, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप एफलेविन अकाउंट फीचर, इसके सामने यस अलाउ मल्टी करेंसी के सामने, फिर क्या किया अकाउंट्स पे गए, करेंसी पे गए और क्या कर दिया डॉलर एन पेन जो भी है जो बना सकते हो, ओके डॉलर जो डेसिमल पॉइंट भर सकते हो, नहीं कहे तो आगे बढ़ जाओ। स्केप करते हुए वापस यहां पर आ गए, क्या कर दिया ठीक है, यहां से आप स्टैंडर्ड मान लो 50 डाल दिया और हमने खाली छोड़ दिया, राइट ठीक। तो स्केप करते हुए हम वापस फिर कहां पहुंची, लेजर लिखा राम, क्या लिखा क्रेडिटर, यहां पर डॉलर क्या करोगे, फिर इंटर करते हुए आगे फिर क्या करोगे, फिर वाउचर एंट्री क्या करोगे, कितना डॉलर कैश, फिर राम, फिर कितना डॉलर, डॉलर का निशान हमने कहा 800, ये 50 रुपए के हिसाब से आ गया, नहीं हमने 66 कर दिया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम रेट ऑफ एक्सचेंज का यूज करके देखो अपने आप अमाउंट आ गया कौन सा जो 66 में हमने भुगतान किया, राइट। फिर हम वापस चलते हैं, हम वाउचर्स पर जाते हैं, ऐसा हो भी सकता है कि वहां का बैठा व्यक्ति राम ही ने क्या कर दिया हो, राम ने हमें डॉलर दे दिए हो, डॉलर हमने उससे बात हुई, भैया राम भैया आप हमें डॉलर दे देना 600 डॉलर दे देना, कितने डॉलर दे देना 600 डॉलर देगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा मालूम है 600 डॉलर, भैया 90 रुपीज के हिसाब से पर डॉलर की कॉस्ट है, यहां पर भी आपको रेट ऑफ एक्सचेंज सेट हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो जी खरीदने और बेचने का काम जब वहां से यहां आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेंगे, पैसे देना पड़ेंगे, जब यहां से वहां जाएगा तो डॉलर हमें खरीदना पड़ेगा और पैसे, अब इधर क्या होगा डॉलर बेच के हम पैसे लेंगे, उधर डॉलर खरीद के हम पैसे देंगे, ऐसा हमारा काम चलता रहता है। जे आता है सेलिंग और बाइंग और स्टैंडर्ड क्या था वो आपका डला है 50 था भैया आज की डेट में 90 का हो गया ठीक है। तो इस तरीके से हम